तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे सेक्टर के एक और स्टॉक की। जी हाँ, बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की। दोस्तों, इस स्टॉक में भी बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट हो गई है। जैसे कि आपको पता है, आजकल रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया तेज़ी है, तो ये स्टॉक भी आज बहुत ही तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। 7.44% की रैली के साथ 547.70 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके भी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक में अब निवेश करना चाहिए जहाँ अभी वेट कर लेना चाहिए। तो नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों, आइए इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट एक चेक कर लेते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी के नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे थे। रेवेन्यू में 10% की गिरावट हुई है, बॉटम लाइन 21% के हिसाब से गिर गई है और मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर चल रहे हैं, रिड्यूस हो रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल्स को डिटेल में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, उसी को डिटेल में चेक करेंगे, फिर इसकी वैल्यूएशंस भी देखेंगे। सबसे पहले देखो इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, वहाँ पे देख सकते हो पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे थे फ्रॉम जून 22 टू मार्च 23, लेकिन जून 23 में थोड़ा खेल बिगड़ गया है और कंपनी का रेवेन्यू रिड्यूस हो गया है। तो यदि प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पर भी सिमिलर टाइप का पैटर्न है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। कंपनी का नेटवर्थ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है और इसमें रैली ही देखने को मिली है। अब यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स देखें तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। 2021, 2022, 2023 कंपनी के जो नंबर्स हैं, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पाया गया है और प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर से बढ़ रहा है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पाया गया है, मतलब कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। तो क्लियरली कंपनी के फंडामेंटल्स में, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,000 करोड़ के राउंड है, PE मल्टीपल्स 23 के हैं। सेक्टर की, इंडस्ट्री की PE रेशो देखो तो 28 की है। तो सेक्टर के मुकाबले अभी भी ये जो स्टॉक है डिस्काउंट पर मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, जबकि डेब टू इक्विटी रेशो इसका नील है। तो कोई भी डेब्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। ऊपर से ROE परसेंटेज देखो कितनी स्ट्रांग है, 27% के अराउंड इसकी ROE परसेंटेज चल रही है। EPS 21 का है और डिविडेंड जील्ड भी 4% के अराउंड है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, वैल्यूएशंस भी बहुत ही सही लग रही हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं और एक डेब्ट फ्री कंपनी है, ये इसका और भी बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग 72.20% की है और रेलवे सेक्टर की जो कंपनी है, रिटेल का देखो तो 9.12% का स्टेक है, DIIs का 8.26% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है 7% का स्टेक है, FIIs के पास 3.44% का स्टेक है। तो बहुत ही बढ़िया मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है। DIIs, FIIs, म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि निप्पन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, देन निप्पन इंडिया वैल्यू एडेड फंड, देन निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्विंट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो बड़े बड़े जो कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। कंपनी का बिजनेस देखो, ये कंपनी एक इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म है। कंपनी ऑफर्स वेरियस सर्विसेज फ्रॉम कमीशनिंग ऑफ टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इट अप्रोच्स थ्रू 4 सेगमेंट्स, दैट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीजिंग ऑफ द रेलवे रोलिंग स्टॉक्स, इक्विपमेंट्स, एक्सपोर्ट ऑफ द रोलिंग स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट्स एंड द रिपेयर वर्क एंड द टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में के डील करती है और रेलवे सेक्टर में कंपनी का मेनली बिजनेस है। मेट्रो, एयरपोर्ट्स, लैंड पोर्ट्स में कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है और पोर्ट्स में भी कंपनी का बिजनेस है। हार्बर्स, हाईवेज, रोपवेज, टनल्स, ब्रिजेज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी का एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई टनल बनानी है, जहाँ कोई एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है। अच्छा बिजनेस है। इस तरह की कंपनी को हम आपको ज़रूर बाई करने की राय देंगे। रेलवे सेक्टर की कंपनी है और 6 मंथ में अपने निवेशकों को 56% के रिटर्न्स भी बना के दे चुकी है और 1 ईयर में और भी बढ़िया रिटर्न्स हैं, 80% के बढ़िया रिटर्न्स मिल चुके हैं और 5 ईयर्स में भी ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, 165% के रिटर्न्स बना के अपने निवेशकों को दे चुका है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, बाई करके रखें और थोड़ा लॉन्ग टर्म पैटर्न 1 से लेकर 2 ईयर्स तक का पैटर्न बना के रखें, होल्ड करके रखें, तो आपका पैसा जो है नियरली डबल हो सकता है।
थैंक्स अगेन, फिर भी आप अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें, यही हमारी आपको राय है। थैंक्स अगेन।